हेलो एंड वेलकम टू रेनेसेंस एजुकेशन। मैं हूं इरिना। और कैसा चल रहा है आप सब लोगों का? हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप क्वाइट वेल। एंड बिफोर वी डाइव इनटू टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग एक्साइटिंग, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। आप लोग अगर मेरी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी वीडियोस और आप लोगों को लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोग मेरी कम्युनिटी के मेंबर्स बन सकते हैं। और क्योंकि आपका सपोर्ट मींस हमारे लिए दुनिया, जो सपोर्ट मींस वर्ल्ड टू अस। सो अगर आप लोग मेरे कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के पास जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके आप हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। और हमारे लिए भी बेनिफिट है और वो आपके लिए भी बेनिफिट है, काफी बेनिफिशियल है। सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस, प्लीज डू क्लिक द ज्वाइन बटन। थैंक यू। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टाइलिश वर्ड्स, कुछ ऐसे स्टाइलिश वर्ड्स जिनका यूज करके हम डेली लाइफ में जिनका यूज करके हम अपने लैंग्वेज को और ज्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है ना, स्टाइलिश वर्ड्स तो चलता ही है, ये तो आपको और ज्यादा स्मार्ट, आपको और ज्यादा स्टाइलिश दिखाता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वर्ड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वैकी। वैकी मीन्स होता है फनी, बहुत ही जोकरी टाइप का, फनी, या फिर हिंदी में बोले तो हास्यास्पद। ठीक है, हास्यास्पद, हंसी जैसा। ठीक है, मजाकिया जैसे आप लोग बोलते हैं। किसी किसी का नेचर होता है बहुत मजाकिया, बहुत फनी, बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसको देख लगता है अरे कैसा फनी नेचर है इसका, जब देखो हंसाता रहता है, हास्यास्पद। कभी कभी कुछ ऐसे हरकतें हो जाती रहते, तुम तो ऐसी हरकतें करते हो, एकदम फनी एक्टिविटीज करते हो, सबको सामने मेरी बेइज्जती करा देते हो। तो फनी को हम लोग स्टाइलिश वर्ड में कहते हैं वैकी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, योर एक्शंस आर ऑलवेज वैकी, तुम्हारी हरकतें हमेशा कैसी होती है, वैकी होती है, हमेशा हास्यास्पद होती है, हमेशा हंसी, मतलब ऐसी ही हरकतें जिसको देखी हंसी छूट जाती है। तो मजाकिया, जोकरी जैसा, तो उसकी हरकतें, उसकी शक्ल ही बहुत वैकी जैसा है, उसकी हरकतें ही वैकी जैसा है। तो वैकी माने फनी या फिर हास्यास्पद, मजाक जैसा, मजाकिया, जोकर जैसा। ठीक है, अच्छे के सेंस से भी कर सकते हैं, गलत सेंस से भी हो सकते हैं, मैंने किसी को चिढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या फिर अच्छे सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज अनचार्टर्ड। अनचार्टर्ड माने अननोन, अननोन या अनआइडेंटिफाइड, जिसको हम पहचानते नहीं है, अपरिचित। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनचार्टर्ड। ये स्टाइलिश वर्ड्स हैं जिसको आप अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वर्ड्स ना यूज करके। ये वर्ड यूज करेंगे तो आप लोगों को सामने वाले सुनेगा तो उसको भी बहुत इंप्रेशन, मतलब उसके सामने भी आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा, इंप्रेसिव है ये वर्ड्स। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, माय सिस्टर नेवर बिफ्रेंड्स विद अनचार्टर्ड पर्सन। बिफ्रेंड्स माने दोस्ती करना, तो इसमें क्या दिया, मेरे सिस्टर कभी भी दोस्ती नहीं करती है किसके साथ, अनचार्टर्ड पर्सन के साथ, अननोन, अजनबी के साथ। मेरी सिस्टर कभी भी अजनबियों के साथ दोस्ती नहीं करती है, मैं कभी अजनबियों के साथ दोस्ती नहीं करती हूं, तो अजनबियों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, स्ट्रेंज पर्सन के साथ, जिसको आप पहचानते ना हो, तो उसको आप कह सकते हैं अनचार्टर्ड। ठीक है, अनचार्टर्ड या अननोन, राइट। नेक्स्ट इज डम्बेल। किसी को डम्बेल अगर कहा जाए, एक तो डम्बेल होता है जो डम्बेल आप लोग वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक डम्बेल यहाँ पे जो स्लैंग मीनिंग में डम्बेल मतलब होता है फूलिश, स्टूपिड, मूर्ख, बेवकूफ। डम्बेल एकदम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, स्टूपिड हो, बिल्कुल। तो डम्बेल, You spoiled your surprise. You're such a dumbbell. तुमने तो सारा सरप्राइज ही मेरा स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। तुम कैसे बेवकूफ हो? कभी कभी कोई सरप्राइज आपने किसके लिए रखा है कि उसको मत बताना, और कोई आके वो बता देता है, बग देता है, तो कहते हैं अरे यार सारी सरप्राइज की ऐसी की तैसी कर दी तुमने, तुम तो you're such a dumbbell. तुम तो बेवकूफ हो, फूलिश हो। तो डम्बेल बहुत अच्छा लगता है सुनने में। डम्बेल सुन के सुनने वाला गुस्साएगा नहीं, हालांकि हमने तो नेगेटिव वर्ड बोला, डम्बेल मैंने मूर्ख फूलिश बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, अच्छा मैं मेरे को फूल बोला, मेरे को स्टूपिड बोला, लेकिन डम्बेल सुनने में अच्छा लगता है और बोलने का बोलना भी जाता है। डम्बेल मीन्स मूर्ख। सारा गोबर कर दिया, सारी सरप्राइज की ऐसी की तैसी सत्यानाश कर दी तुमने, यू आर सच अ डम्बेल। अच्छा, नेक्स्ट चाटी। चाटी, चैटर बॉक्स, मेरे पहले भी बताया, चैटर बॉक्स, चैटी, ये होते हैं जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बातूनी होता है, उसे कहता है
उसको रोकना हो ना आपको किसी की बातें बहुत ज्यादा बकबक बकबक किया जा रहा है आपको उसको रोकना है. ओ यू चैटी पर्सन जस्ट कीप क्वाइट. ओ बातूनी आदमी चुप हो जाओ. चैटी यू आर सच अ चैटी. तुम काफी बातूनी हो भैया. मैं तो तुम्हें सोचा था तुम बात ही नहीं कर सकते. तुम तो बहुत बातूनी हो. तो चैटी वर्ड अच्छा लगता है सुनने में बातूनी के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज बसन. बसन मीन्स अमेजिंग या फिर बहुत अच्छा. अमेजिंग वेरी नाइस वेरी मोर देन नाइस जैसे कहते ऑसम बहुत अच्छा. बसन बसन वर्ड यूज होता है स्लैंग वे में. बसन के आप कह सकते हैं द डिश यू मेड. देखिए द डिश यू मेड यस्टरडे वाज एब्सोल्युटली बसन. कल जो तुमने खाना बनाया था अरे एब्सोल्युटली अमेजिंग था. बहुत किसी खाने की तारीफ करना हो किसी ने खाना बनाया हो तो अरे भैया कल जो तुमने खाना बनाया था दैट वाज बसन अमेजिंग. बसन स्टाइलिश वर्ड है किसी की तारीफ करने के लिए आप कह सकते हैं अमेजिंग. तो इस तरह से आप बोल सकते हैं किसी खाने की तारीफ कर सकते हैं तो कहेंगे द डिश यू मेड यस्टरडे वाज रियली बसन एब्सोल्युटली बसन. ठीक है ना. अच्छे ना वर्ड्स. इस तरह के वर्ड्स आप लोग यूज करिए. और कुछ वर्ड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट. ओके नाउ द सिक्स्थ वन आइकॉनिक. आइकॉनिक काफी यूज होता है. आइकॉनिक मीन्स होता है परफेक्ट जो परिपूर्ण है आदर्श है बहुत अच्छा. आइकॉनिक नेचर आइकॉनिक यूज खूब होता है. आइकॉनिक मतलब एग्जेम्पलरी परफेक्ट आदर्श बहुत अच्छा. हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही हो गया. जैसे एग्जाम्पल दिए एवरीबॉडी प्रेज हिम फॉर हिज आइकॉनिक फ्रेम ऑफ माइंड. फ्रेम ऑफ माइंड माने आइडियाज उसकी सोच उसके विचार उसकी थिंकिंग. फ्रेम ऑफ माइंड मतलब ये. ठीक है. हर कोई उसकी तारीफ करता है उसकी आइकॉनिक फ्रेम ऑफ माइंड की वजह से. उसकी बहुत आदर्श बहुत अच्छी सोच है. उसका जो विचार है उसकी जो सोच है बहुत आइकॉनिक है. इसीलिए सब कोई उसकी तारीफ करते हैं. प्रेज करना माने तारीफ करना. तो किसी तरह से किसी को कहना है मैं तुम्हारी तारीफ सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है. आई जस्ट प्रेज यू बिकॉज ऑफ योर आइकॉनिक फ्रेम ऑफ माइंड. तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है. किसी को अगर आप प्यार करते हैं तो उसको अगर पूछे कि रीजन बताओ तो मुझे प्यार क्यों करते हो तो यू कैन से आप कह सकते हैं कि आई जस्ट लव यू बिकॉज ऑफ योर आइकॉनिक फ्रेम ऑफ माइंड. मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी जो फ्रेम ऑफ माइंड है तुम्हारी जो सोच है जो विचार है जो थिंकिंग है वो बहुत आइकॉनिक है. आइकॉनिक माने बहुत अच्छा परफेक्ट. ठीक है. अच्छा इस तरह के वो भी आते हैं सिनोनिम्स कभी कभी आ जाते हैं. आइकॉनिक का एग्जेम्पलरी सिनोनिम हो गया. ठीक है. अच्छा आइकॉनिक हो गया. नेक्स्ट इज कूकी. कूकी या फिर स्ट्रेंज एसेंट्रिक झक्की अजीब जिसे हिंदी में कहते हैं अजीब है झक्की है. कूकी यू आर सच अ कूकी. कूकी हे यू कूकी. कूकी माने ये झक्की एक पागल बहुत लोग कहते हैं. पागल नहीं है वो इन द सेंस चक्की बड़ा एसेंट्रिक अजीब. तो इसको स्लैंग वर्ड में आप कह सकते हैं कुकी. ठीक है. कुकी ही ऑलवेज डज कुकी थिंग्स बट इन फैक्ट ही इज ब्रेनी. ब्रेनी माने बहुत समझदार बहुत इंटेलिजेंट. ब्रेन से ही वर्ड बना है ब्रेनी. ठीक है ना. ब्रेन से वर्ड बना है ब्रेनी. ब्रेनी माने बहुत इंटेलिजेंट बहुत दिमाग वाला है. मतलब वो हरकतें ही ऑलवेज डज कुकी थिंग्स. वो हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता है. पागलों जैसी हरकतें करता है लेकिन असल में देखा जाए तो वो बहुत इंटेलिजेंट है. कुछ लोगों को देख के नहीं लगता है. अजीब अजीब हरकतें करते हैं पागलों जैसी लेकिन असल में इनफैक्ट वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक. कुछ तो देखते ही इंटेलिजेंट कुछ देख के नहीं लगता. तो कुछ लोग दिखते हैं इंटेलिजेंट लेकिन होते नहीं है. दोनों चीज होती है. तो ये मैंने सेंटेंस बनाया ही ऑलवेज डज कुकी थिंग्स. वो हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता है. अजीब अजीब हरकतें करता है लेकिन इनफैक्ट अगर सच्चाई देखी जाए तो वो बहुत इंटेलिजेंट है. दिखाने के लिए करता है ऐसी हरकतें. ठीक है. तो ये हो गया कुकी. ठीक है. बहुत स्टाइलिश लगता है सुनने में कुकी. हे यू कुकी. ही इज सच ए कुकी पर्सन. बट कुकी में अगर कोई ब्रेनी है कोई इंटेलिजेंट है तो आप कह सकते हैं बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अच्छा हर्ली बर्ली. ये हर्ली बर्ली क्या होता है. नॉइजी डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस. चहल पहल हलचल. कभी कभी कोई कोई हलचल तो बहुत अच्छा लगता है कोई कोई हलचल बहुत खराब लगता है. शादी में हमें पार्टी में फंक्शन में हलचल हो रहा है. कोई कोई गाना गा रहा है कोई कोई नाच रहा है कोई चिल्ला रहा है कोई भाग रहा है. ये चीजें अच्छी लगती हैं किसी किसी को अच्छी लगती हैं लेकिन किसी किसी को अच्छी नहीं भी लगती हैं. तो कहीं और की
कहां पे ये हलचल हो रहा है उस पे डिपेंड करता है हमें कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। किसी किसी को अपने घर में हलचल नहीं पसंद है, तो हॉली बॉली मने हो गया डिस्टर्बेंस, जिसमें शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, बहुत नॉइजी, बहुत शोरगुल, बहुत हलचल, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको कहते हैं हॉली बॉली, ठीक है। आई एंजॉय द हॉली बॉली ऑफ मैरिज सेरेमनीज, मैरिज सेरेमनी शादी ब्याहों में जो इतना हलचल रहता है, कोई कुछ कह रहा है अरे ये लाओ अरे वो लाओ अरे ये करो और वो कर दो, ये जो हलचल होती है किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कह सकते हैं मुझे तो एंजॉय करता हूँ भाई, शादी ब्याहों में जो हलचल होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, शोर शराबा शादी ब्याहों में गुमसुम चुपचाप अच्छा नहीं लगता है, सब लोग शोर कर रहे, चिल्ला रहे, गाना गा रहे, डांस कर रहे, अच्छा लगता है, तो उसको आप कह सकते हैं आई एंजॉय द होली बोली ऑफ मैरिज सेरेमनीज, अच्छा लगता है, तो आई एंजॉय, नहीं अच्छा लगता है तो आई डोंट लाइक, कह सकते हैं, ठीक है। होली बोली के वर्ड्स को आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, अच्छा लगता है तो आई एंजॉय, नहीं अच्छा लगता है तो आई डोंट लाइक, ठीक है। आई डोंट लाइक टू गो इन दैट हाउस ऑलवेज इट इज होली बोली, हमेशा उस घर में हमेशा हलचल बनी मची रहती, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस चला रहता है, चलता रहता है, तो हॉली बर्ली हो गया आपका स्टाइलिश वर्ड जिसमें हलचल। अच्छा नेक्स्ट इज शर्टी, शर्टी माने हो गया एनॉयड, नाराज, इल टेम्पर्ड, कभी कभी बहुत गुस्से वाला, ये नाराज मैंने बहुत कड़क वाला नाराज नहीं, हल्का फुल्का नाराजगी या बहुत ज्यादा बहुत जल्दी गुस्सा जाता है तो उसको शर्टी कह सकते हैं, गुस्सा दिखाना, नाराज होना, हल्की सी नाराज, एनॉयड या फिर नाराज। Don't get shirty with me. It was your fault, not mine. मुझ पे नाराज मत हो, ये मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी थी। या मम्मी लोग कभी दो बच्चों को डांटते हैं, दो अपने दोनों बंदों, तो मम्मी मेरे को मत डांटो, उसको डांटो, गलती मेरी नहीं थी, उसकी थी, तो don't get shirty with me, मम्मी, it was his fault, not mine. अरे ये तो उसकी गलती थी, मेरी थोड़ी थी, मेरे को डांट रहे हो, मेरे को नाराजगी दिखा रहे हो, तो don't get shirty with me, don't get shirty with him, don't get shirty with her. लड़की है तो her, लड़का है तो him, अपने लिए है तो me, ठीक है। Don't get shirty with me. It was your fault, not mine. मुझे मुझसे मुझ पे नाराजगी मत दिखाओ, मैं मेरी गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी, या the fault was on your part. ये भी कह सकते हैं। अच्छा लास्ट इज yakking. Yakking मैंने gab. Gab बोल सकते हैं, टॉक uninterruptedly and idly, लंबे समय तक बेकार की बातें करते रहना, बहुत लोग फोन पे करते हैं, मोस्टली आई हैव सीन पीपल या यंग जनरेशन जो लोग होते हैं हमेशा बातें करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, देयर इज नो सेंस, कुछ मतलब कुछ मीनिंगफुल टॉक नहीं चल रहा है, वो ऐसे ही और इधर उधर इधर उधर इधर उधर करे जा रहे, नो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली बिना रुके लंबे समय तक बातें चलती रहती है, चलती जा रही है, तो ऐसे हमको बोलते हैं yakking. Oh, come on, stop yakking. बक करना बंद करो, बहुत लंबे समय तक मेरा दिमाग चाट रहा, बंद करो अब ये बातें. तो yakking मैंने होता है बेकार, अनइंटरप्टेडली बिना रोक के टोक के बातें करे जा रहे हैं, आइडली मैंने बेकार की बातें, आइडल बेकार की बातें. सेंटेंस कहेंगे तो आई सॉ हिम yakking ऑन द फोन फॉर ओवर एन आवर, एक घंटे से ऊपर हो गया मैं उसको देख रही हूँ तब से फोन पे बक बक किए चला जा रहा है. ज्यादातर पापा मम्मी लोग घर में बोलते हैं बेटे को देखो तब से एक घंटे से लगा चिपका पड़ा है, पता नहीं क्यों फोन पे एक घंटे से ऊपर हो गया, पता नहीं क्या बातें की जा रहा है, किए जा रहा है. तो ये जो बातें करने की जो एक वर्ड में हम कहेंगे yakking, ठीक है. yakking कोई मीनिंगफुल बात नहीं, ऐसे ही बातें बेकार की बातें, बक 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 किए जा रहा है, पता नहीं क्या बक बक चलती रहती है, घंटों घंटों बातें होती है, तो उसको हम बोलेंगे yakking, ठीक है. आई सॉ हिम yakking ऑन द फोन फॉर ओवर एन आवर, मैंने उसको एक घंटे से ऊपर हो गया मैं उसको देख रही हूँ तब से बातें की जा रहा है, ठीक है. आइकॉनिक कुकी, होली बर्ली, शर्टी एंड yakking, दीज आर द वर्ड्स विच आर वेरी स्टाइलिश, एंड इफ यू यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन योर डेली लाइफ इन योर लैंग्वेज विल बिकम सो स्टाइलिश. आप इस इन लैंग्वेज इन वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में यूज करें, अपनी भाषा में यूज करेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश आपका लैंग्वेज बन जाएगा और इम्प्रेशन तो धुआंधार बनेगा, लोगों के सामने दमदार इंप्रेशन बनेगा आप लोगों का, ठीक है. सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा आप लोग इसको यूज जरूर करिए और शेयर करिए, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है. और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग वीडियोज की वो आप तक पहुंचेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है ना. और इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे बाय बाय करती हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.